अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सालिक अहमद मेमन है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फेलो हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कराची में। हमें पता है कि हार्ट डिजीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे पॉपुलेशन में, स्पेशली साउथ एशियन जो पॉपुलेशन है। और हम अपने पेशेंट को डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं कि भाई आपको इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये खाना खाना चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्या हम डॉक्टर्स अपना ख्याल रखते हैं या नहीं, इसी के हवाले से मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था डिफरेंट हॉस्पिटल में डिफरेंट डॉक्टर कम्युनिटी के साथ। उसमें से मैंने 159 डॉक्टर्स को एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया था, उसमें से 100 कार्डियोलॉजिस्ट थे और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था, जिसमें से 40% ऑफ द डॉक्टर्स दे वर ओवरवेट, 20% डॉक्टर्स वर इन द पॉजिटिव यू नो ओबेसिटी रेंज में वो थे। उसके अलावा जो 26% थे उनमें से पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री उनकी पॉजिटिव थी, 7% लोग डॉक्टर स्मोकिंग करते थे। मेरे ख्याल में बीइंग इन साउथ एशियन पॉपुलेशन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है। हम पेशेंट के साथ साथ भी हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए, बिकॉज वी आर द रोल मॉडल फॉर आवर कम्युनिटी। दूसरी बात ये है कि उन सब का यही एक शिकवा था या यही एक गिला थी कि हमें टाइम नहीं मिलता अपने ओवर स्ट्रेस की वजह से, ओवर स्ट्रेस एट वर्क या अपने वर्किंग आवर्स ज़्यादा है। सबका मेन फैक्टर यह था कि हमें अपने जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उनमें हमें टाइम नहीं मिलता, तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और उनमें से सिर्फ 26% जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की रिकमेंडेड एक्सरसाइज है वो फॉलो करते थे, 26%। आप सोचें कि डेफिनेटली हमें अपने मरीजों का ख्याल रखना चाहिए एंड इट्स आवर ड्यूटी एंड इट्स आवर यू नो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके साथ साथ अपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हम एक रोल मॉडल के तौर पेश हो सके। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी एक जो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी है उसको परसू करूँ और आपको भी यही इल्तिजा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।